लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। रियलिटी शो बिग बॉस के घर से हरियाणवी डांसर व सिंगर सपना चौधरी बाहर हो गई हैं। उनके इविक्शन से फैंस को निराशा हाथ लगी है। हालांकि सपना दुखी नहीं है, लेकिन जैसा कि हर व्यक्ति अपने बीते अनुभव साझा करता है, सपना भी घर से बाहर आते ही मीडिया से मुखातिब हुई। हम बता रहे हैं सपना के उन अनुभवों के बारे में जो सपना चौधरी ने बीते 7 हफ्तों में घर के अंदर रहकर जुटाए। बाहर आने के बाद सपना ने एक कंटेस्टेंट का ये शो जीतने का सबसे मजबूत दावेदार बताया तो एक को सबसे कमजोर कड़ी। यहां तक कि एक लेडी कंटेस्टेंट को तो सपना ने बंदरिया तक कह डाला। बताते चलें कि हरियाणा में झज्जर जिले के कस्बा नजफगढ़ की रहने वाली पेशे से डांसर व सिंगर सपना चौधरी ने 1 अक्टूबर को बिग बॉस के घर में एंट्री पाई थी। इसके बाद पिछले 7 हफ्तों से वे लगातार घर से इविक्शन के लिए नॉमिनेट होती रही हैं और रविवार को आखिर वे घर से बाहर हो ही गई। माना जा रहा है मेकर्स की एक खास स्ट्रेटेजी के चलते सपना को सबसे ज्यादा वोट होते हुए इविक्ट कर दिया गया और यह सब सिर्फ आधे घंटे में ही तय कर लिया गया। बाहर आने के बाद सपना ने शो जीतने के लिए विकास गुप्ता को ही सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट बताया। सपना का मानना है कि टीवी प्रोड्यूसर विकास गुप्ता में इस रियलिटी शो के विजेता बनने की क्षमता है।